हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग किताब। मैं हूं सुष्मिता। आज मैं आप लोगों को मसाला टमाटर की रेसिपी बताने वाली हूं। लेट्स गो फ्रेंड्स। मसाला टमाटर बनाने के लिए हम पहले उसके लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए फल्ली, काजू बादाम, ये थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हम चने की दाल ऐड कर लेंगे, जिसे हम फुटानी भी कहते हैं। ये जरा सा रोस्ट होने के बाद में हम इसमें काली तिल या नहीं तो सफेद तिल, कौन सी भी ले सकते हो आप, और उसमें कोकोनट पाउडर डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी, तब हम उसे निकाल कर एक मिक्सर जार में डाल लेंगे और एक चम्मच नमक और थोड़ा सा शक्कर ऐड करके पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पीस लिया है। फ्रेंड्स, अब टमाटो ले लेंगे, उसे इस तरह से कट कर लेंगे और अंदर जो भी बींजे हो गए उसे हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो पीस कर रेडी करा हुआ मसाला था वो इसमें भर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने भर लिया है सारे ही टमाटो में। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे और उसमें जो रेडी कर कर रख लिए थे हम टमाटो मसाला भर के, वो सारे ही इसमें डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे उसे, ताकि कच्चापन ना रहे टमाटो में। देखिए फ्रेंड्स, ये टमाटो अभी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे साइड में रख लेंगे और एक दूसरे पैन में जो टोमेटोज में बचा हुआ ऑयल था वो इसमें ऐड कर लेंगे और उसमें राई, जीरा, करी लीव्स, ऑनियन और स्वीट कॉर्न ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम उसमें जो बचा हुआ मसाला था वो उसमें ऐड कर लेंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा पकने के बाद हम इसमें अभी हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, दालचीनी चकला पाउडर, टेस्टिंग सॉल्ट, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला और थोड़ा सा सोया सॉस डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम इसे लिड लगाकर 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे, ताकि हमारे मसाले कच्चे ना रहे। उसके बाद हम इसमें कर्ड ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अभी हम एक ग्लास पानी डाल लेंगे, छोटे ग्लास से, और हम इसमें 2 तेज पत्ता ऐड करेंगे टेस्ट के लिए। फिर हम इसे लिड लगाकर रख लेंगे 5 मिनट्स के लिए, फिर निकाल के अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से पक चुके हैं मसाले वगैरह। अब हम जो ऑलरेडी रेडी कर कर रख लिए थे टमाटोज वो इसमें ऐड कर लेंगे। और अभी हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे लिड लगाकर एक 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से हो चुके हैं। अब हम एक दूसरी कढ़ाई में थोड़ा सा घी चॉप करके रख लिए हुए काजू बादाम और सूखी मिर्च डालकर इसमें, देखिए अब हम इसे क्रीम से या कर्ड से अच्छे से गार्निश कर लेंगे और कोथमीर पुदीना और जो बघार रख लिया था वो ऐड कर लेंगे। अब ये रेडी टू ईट है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। Thanks for watching.